وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. يكتب जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानिश मंद लोग इसकी आयतों में गौर विक्र करें और नसीहत करेंतलफ तो मरत सामीन नाजरन करामक वरम वक्र कराम सूर्य असरा दर्श नंबर बारह सैतालीस आयत नंबर चौंतीस आज का मौजू क्या हमने अपने रब से कोई वादा नहीं किया इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुजशत सबक का ये आदा होगा पनह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से بسم الله الرحمن الرحيم شرع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق और जिस जानदार का मारना खुदा ने हराम किया है उसे कत्ल न करना मगर जायज तौर पर यानी बफतवः शरीत और जो शख्स जुल्म से कत्ल किया जाए हमने उसके वारिस को इख्तियार दिया है कि जालिम कातिल से बदला ले स्वामी कराम सूर असरा आयत नंबर चौंतीस लफ्जी तर्जुमा वला तकरबू माल यतीम अला बिलती अहसन हत अबलगा अशुद्धा माल यतीम के पास न को मगर एहसन तरीक़े से यहाँ तक कि वो अपने शबाब को पहुँच जाए व आफ़ो बिलआत और वादे की पाबंदी किया करो इन आहद का न मसबूला बेशक आहद के बारे में तुमको को जवाबदेही करनी होगी सामरिक्रम चौदह नुक्ते बयान हो रहे हैं चौदह असूल असूल ज़िंदगी जिसके तहत इंसान को ज़िंदगी गुजारनी होगी तो गुज्त सबक में तो यानी किसी को हरा किसी नफ्स को कतल ना करने का हुक्म दिया गया था लेकिन हक के साथ वखसलती हरमल्ल्ला बिल्क आज का जो मजमून है वो भी माशरती ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है माल यतीन के बारे में आ, कि एक यानी देखें इंसान उम्र के किसी भी हिस्से में फौत हो सकता है बचपन में भी जवानी में भी बुढ़ापे में भी बुढ़ापे में तो आखिरकार जाना ही होगा आ, लेकिन एक आदमी चला जाता है यानी मिसाल के तौर पे चालीस साल की उम्र है और उसके दो तीन बच्चे हैं माल छोड़ गया भाई जॉइंट फैमिली है और तो इसमें मतलब ख़ता का इम्कान रहता है एक तो यह है कि भाई के माल को अपना माल ना समझो वो तुम्हारे भाई का माल है उमूमन होता है ना मतलब न, लोग यानी ये इंसान की वो नफ्सियाती वो है लालच और एक हक़ जगह कि मैं बड़ा भाई हूँ अब मेरा छोटा भाई चला गया तो बस उसका माल तो मेरा ही है एक ही दुकान में रहते थे दुकान छोटे भाई ने शुरू की फिर बड़ा भाई बीच में शामिल हो गया जो भी था तो बहुत सारी गलतियों का इम्कान रहता है क्योंकि इंसान अखलाक रजीला ले के पैदा हुआ है यानी इसमें कमज़ोरियाँ मौजूद हैं इंसानी नफ्स में कमज़ोरियाँ मौजूद हैं फिर अल्लाह ताला ने इसके लिए हिदायत नाजिल फरमाई है और आ, उस हिदायत में उसको बताया गया है कि भाई तुमने ये काम करना है और ये काम नहीं करना अगरचे तुम्हारा नफसानी तक ही क्यों ना होमतौर पर देखें कि हम नफसानी तकाजे जो होते हैं हमारे बहज़ लालच हसद कीना मफात परस्ती और ये सारे तकाज़े जो हैं ये हमें आम तौर पे नज़र आते हैं इंसान कंजूस वाकया हुआ है इंसान जुल्म की एक सिफत है इसमें दूसरों का हक़ मारना चाहता है उस पर खुश होता है ये तमाम माशरा अगर, अगर मैं बात करूँ तो ऐसा ही है मिसाल के तौर पे रिश्वत है या करप्शन है तो ये तो आपका हक नहीं है पराया हक नाजायज़ तरीके से रिश्वत अगर कोई ले रहा है तो सरकारी अफसर तो वो तो अपने काम की तनख्वाह लेता है फिर वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और जो हकदार का हक़ है उसको देने में वो कहता है कि मुझे थोड़े पैसे दो थोड़े दो या बहुत दो वो तो फिर डील होती है रेट मुकर होते हैं हर चीज़ के देखें रेट मुकर है तो मैं आपको सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि इंसान मफाद परस्त है लालची है कमीना है ये इसके अंदरूनी जो सिफ़ात हैं उधर मसला ये है हमारे साथ हम मुसलमानों के साथ कि हम तो बरए नाम मुसलमान हैं लिप सर्विस वाले क़ुरान जो कि हिदायत है उसको हमने तिला माज़ तिलावत की किताब बना लिया है इस बात पे भी ज़रा आप सोचें ना यानी ये देखें आ, बड़ी बुनियादी बात है कि क़ुरान तो हिदायत है हदम व नूर इसमें हिदायत है और रोशनी है ये दो काम हम नहीं लेने के लिए तैयार इससे न रोशनी न हिदायत आप देख लें इसमें तो कोई लंबे चौड़ा लंबे चौड़े दलाइल देने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है हम लोग ये रहा हमारी मिसाल तो बहुत ज़्यादा बुरी है बहुत ज़्यादा बुरी मिसाल है तो मुझे नहीं लगता कि मेरे कहने का कोई असर होगा या ये माशरा कोई असर ले लेगा लेकिन बयान करना मेरा फ़र्ज़ है जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में अहकाम बयान कर दिए हैं हिदायत मौजूद है कोई उससे फ़ायदा ले या न ले क्यामत के दिन ये क़ुरान और कुरान वाले लोग जो हैं ये हुज्जत होंगे शहदा अल नास व्योम नब आसमिन कुल्ल उम शहीदन मिन अनफ सेम वजे नाबिका शहीदन आल ये भी हम पढ़ चुके हैं और उस दिन हम तमाम लोगों में से गवाह उठा के खड़े कर देंगे और वो गवाही देंगे कि अल्लाह हमने तेरा पैगाम इस कौम तक पहुंचा दिया था और फिर उन तमाम गवाहों पर पर रसुल पाक वसल्लम गवाही देंगे कि हाँ इन्होंने वह अदा कर दिया था तो हमारा काम तो मतलब यह है कि हजत क़ायम करना है बाकी कोई सोचे या ना सोचे वो उसकी मर्ज़ी है हम अपनी क़बर में लेटेंगे और लोग अपनी कबर में लेंगे हाँ लेटेगा हर एक अपनी अपनी कब्र में लेटेगा, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा यानी जब देखें मैंने हक़ अदा कर दिया मिसाल के तौर पे मैं या किसी भी जो दाई है उसने अपना हक अदा कर दिया तो अब उससे लोगों के लोगों के बारे में नहीं पूछा जाएगा ये आयत क़ुरान है वला तस्ाबिल जहीहीन दोजख वालों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा ये हिदायत जो है ना बुनियादी तौर पे ये अल्लाह की जिम्मेदारी है इन लल हुदा फिर हिदायत पहुंचाने का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने तकमाल एहसन किया हुआ है पैकम्बर भिजवाए लक़द मन आलमिन इस बाफ़ी रसूल यम आयाति वजु जकताबुल आयत मौजूद है कुरान में ये मेरा एहसान है मोमिनों पे कि इसमें से मैंने तुम में से एक रसूल को खड़ा किया है रसूल को भिजवाया है जो मेरी आयात तुम पे पढ़ के सुनाता है उसकी तालीम देता है हमत और दानाई की बातें बताता है तुम्हारा तस्किया नफ्स करता है और तुम्हें वो बात बताता है जो तुम्हें मालूम नहीं थी तो बस यही काम जो है पैगंबर के उम्मतियों का है जो भी उम्मती है उनका भी यही काम है पैगंबर का यही काम है फिर उसके उम्मती के भी यही काम है व कज़ाल कुम उम्मत वसतकुन शहदा वकुन रसूलआल शहीदा तो बहरहाल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नफसानी तकाज़े होते हैं बात मैं ये कहना चाह रहा था कि इंसान कमज़ोर है इन इंसान खोले का हलुआ कमज़ोर है अजूला जल्दबाज है दईफा कमज़ोर है वल इंसान ईफ़ा इंसान को मैंने कमज़ोर पैदा किया अब यह कमज़ोरी तो दूर होगी हमारे इंसान मज़बूत होगा हिदायत को खुदाबंदी को ये कबूल कर ले पैगम्बर की ज़ात को कबूल कर ले उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यारा समझे पैगंबर की ज़ात को और मोहब्बत उससे शुरू कर दे उसकी इतात शुरू कर दे मोहब्बत के साथ जब इतात मोहब्बत के साथ होती है तो ये इत्तेबा बन जाता है फिर वो काम भी इंसान करता है जिस जो नबी ने किए लेकिन हुक्म नहीं दिया तो फिर वो काम भी मोहब्बत में इंसान करता है तो ये सारे तकाज़े हैं हिदायत के तक़े हैं ज़रूरी है बहरहाल मैं माल यतीम की बात कर रहा हूँ कि माल यतीम के बारे में अल्लाह ताला ने वाज हुक्म दिया है ला तको माल यतीम बिल्लती ही अहसन हत अबलशुद्दा मतलब तीन आप आपके भाई मर गया तीन बेटे हैं या दो बेटियाँ हैं एक बेटा है या जो भी है, और माल उसने छोड़ा है दुकान छोड़ दी माल छोड़ दिया कोई बैंक बैलेंस है तो अब जाहिर है कि वो आपके तसरफ में आएगा आप उसके वारिस हैं वारिस का मतलब यह है कि आप बड़े हैं आप ही वो लेकर उनको देंगे बच्चे तो छोटे हैं तो आप अमानतदार हो गए उसके माल के तो फिर अल्लाह तारे में फ़रमाया कि देखो ये जो यतीम जो रह गए इनके माल के करीब मत जाना इसके माल को अपना न समझना और आमतौर पे देखें एक भाई दूसरे भाई का माल यानी अगर हिदायत न हो तो वो हड़प करने के लिए तैयार मेरा भाई है अभी मेरा बड़ा भाई मेरा छोटा भाई था मेरी और उसकी यानी अब वो मतलब मैं इसकी तफसील में नहीं जाता लेकिन हम राम राम जपना और पराया माल अपना ये इंसान की फितरत है हला हक हक यानी और बातिल हलाल या हराम इसमें ये तमीज़ नहीं करता आम तौर पे नफसानी कैफियत ये होती है सब निकला फिर मैंने आपको कहा कि कुरान अल्लाह की हिदायत रसूल की हिदायत और उसका तरीका तो अल्लाह ताली फरमा रहे वला तकरबू मालल यतीम अला बिल्लती अहसन हती अब लोग अशुद्धा यानी तुम उसके मज़मून इसमें यह है बाकी तफसीलत मौजूद हैं क़ुरान पाक में कि तुम उसके माल को या तो तुम उसको यानी यह है कि मिसाल के तौर पर वो अलग थे एक यानी इससे पहले जो है वो लोग अलग खाना पकाते थे अब वो तीन बच्चे हैं मिसाल के तौर पे एक बीवी है या एक बच्चा है एक बीवी है तो वो अगर आप यानी जो भाई है जो सरपरस्त है वो अगर कहे कि भई मैं इसका माल बिल्कुल नहीं छूऊंगा बिल्कुल नहीं खाऊंगा तो वो दो दो तीन बंदों की हड्डियाँ अकेले वो पकाएं तो ज़्यादा खर्चा आएगा अपने उसमें से तीन बंदों का खाना दो दो बच्चों का या तीन बच्चों का खाना और एक बेवा को खिला दे तो ठीक है तो इसमें उनकी खैर है बचत है ये तीनों की बचत है खैर है ये फिर तफसीलात हैं लेकिन मैं वैसे अर्ज कर रहा हूँ बहरल असूल ये है कि उसका माल उसका है उसके बच्चों का है अगर खर्च करो तो मुनासिब तरीक़े से इल्ला बिल्लती ही अहसन हती अब लगा अशुद्धा यहाँ तक कि वो अपनी समझ को पहुँच जाए यानी माल को संभाल सके सिर्फ़ बलुगत म, म, मुराद नहीं है अशुद्धा शबाब सिर्फ शबाब जवानी मुराद नहीं है ठीक है बालग हो गया लेकिन समझ अभी कम है बाजाओत होते हैं बच्चे जो कम उसकी ग्रो जहनी नशोनुमा कम होती है तो जब तक वो पूरी तरह समझदार ना बन जाए माल को अब सब जब वो कर लें तो फिर वो माल उनके हवाले कर दो फिर वो जो चाहे मर्जी करें वह औो बिल आहद और वादे को वफा करो इन आहद का न मसूला। बेशक वादे के बारे में पूछा जाएगा जहाँ तक वादे का ताल्लुक है ये तो ये एक ऐसा बुनियादी मसला है कि अल्लाह ताला ने ये जो इंसान की कामयाबी है इसका दारोमदार बना दिया है वादों पर अभी कायनात की तख्लीक नहीं हुई थी कायनात बनी नहीं थी अल्लाह ताला ने हमसे एक वादा लिया उसको हम वाद अलस्त कहते हैं अलस्त तो बे रब कुम वहाँ से वादा शुरू हुआ है थोड़ा सा मतलब आप मेरे मजमून को ज़रा ग़ौर से सुने वादे की बुनियाद पर यह कायनात की कामयाबी है इस मखलूक की जो इंसान है इसकी कामयाबी की बुनियाद जो है वो वादे की वफ़ा पर है एक वादा तो वहाँ पे ले लिया हमसे अल्लाह ताला ने अलस तो बेरबुम कलू बला हम सब ने कहा अल्लाह की रुबूबियत का इकरार कर लिया यानी तू ही हमारा मौला है तू ही हमारा कारसाज है तुझ पर ही हम तबक्कुल करेंगे ये मैं अलस्त तो रब की तशरी कर रहा हूँ। हमने तो बस रब का माना महदूद कर लिया परवरदिकार पालने वाला। नो, बढ़के है बात जो पालने वाला है उसका कहना भी मानना होगा यह ये, ये तो नहीं हो सकता कि बस वो पालने वाला है भी कहना मैंने किसी और का मानना मानना है आज देखें बहुत ही गहरी गलत फहमियाँ में मौजूद है रब अब रब का माना तो आपको मालूम है परवरदिगार करते हैं पालने वाला मुरबी अब ज़रूरियात को पूरा करने ठीक है ज़रूरियात हम मानते हैं जान से मानते हैं सारी चीज़ें अल्लाह ने मेरे लिए बनाई हैं लेकिन ये नहीं पता कि भई रब का कहना भी मानना है तो रब के माने में ये पोशीदा हैं बहरल मैं एक नुक़ कुरानी से रब के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि जो मैं तशरी कर रहा हूँ कि रब के माने इलाह के भी हैं माबूद के भी हैं महबूब के भी हैं मतलूब के भी हैं है। ये सारे माने एक रब में छुपे हुए हैं और ये क़ुरान से मैं आपको बता रहा हूँ क़ुरान में है कि इत्तख़ज़ु अहबारहुम हम अरबा बिंदू पुराने मुसलमानों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्होंने अपने ओलमा को और दरवेशों को मशाइ को रब बना लिया अल्लाह के सेवा ये कुरान है इसके कि वो रब मानते हैं अपने ओलमा को और दरवेशों को मशाइ को तो आदि इब्न हातिम हातिम ताई का बेटा जो पहले अहल किताब में से था वो हाज़िर हुआ उसने उसकी बात ये समझ में नहीं आई उसने पूछा हुजूर ये आयत कुरान में आई है और कि इन्होंने अपने को और मशाइ को अल्लाह के सेवा रब बना लिया है तो हमने तो किसी आलिम को या जो हमारे पीर हैं मुर्शिद हैं उनको तो हमने रब नहीं बनाया कभी कभी नहीं हुआ ऐसा तो कुरान में ये कैसे आया था अब ये वही बात है ना समझ की बात है वो समझा नहीं तो पूछ लिया उसने हुजूर से हमारे लिए <laughs> हुजूर ने फरमाया देखो तुम्हारे कौम के जो लोग हैं वो तुम्हें अगर किसी बात का हुक्म देते तुम्हारे आलिम या तुम्हारे जो मशाइ हैं किसी भी बात का हुक्म देते तो तुम उसको मिन वन तस्लीम कर लेते किताब में देखे बगैर कि ये बात ये हुक्म कुरान में है कि नहीं है यानी बिला चूनू चरा तुम अपने की बात मान लेते वो जो कहते आप कहते हैं तो क्या ऐसा नहीं होता था हाथम ने कहा कि हाँ हजू ये तो है कि बस वो तो उनका कहना पत्थर की लकीर था हमारे लिए तो हुजूर ने फरमाया कि देखो ये ही तो रब बनाना है कि तुम किसी की बात को बिलाचूनो चरा मान लो जबकि मखलूक की इतात नहीं है खालिक की नाफरमानी की सूरत में लता मखलूक कफी मास खालिक ये उस हदीस का हिस्सा नहीं है मैं आपको बता रहा तो रब का मतलब माबूद, जिसका आप कहना माने रब हो और उसका कहना ना माना जाए ये कैसे हो सकता है जो बॉस होगा उसका आपने कहना मानना है बॉस आपको सारी ये देखें आम दुनिया में तो हम समझ जाते हैं कि भाई सिर्फ बॉस की माननी है बॉस यू आर राइट दुनिया में सारे आपके जो बॉसिस हैं उसका आपने कहना मानना जरूरी होता है यस सर यस सर ये क्या होता है ना बाद लोग यस सर फ़ौज में है ख़ास तौर पे यस सर बस वो यस सर कहना होता है फ़ौज में कि हाँ यस सर यस सर बाद लोग बग़ैर फ़ौजी भी मैंने देखा है यस सर यस सर की गर्दान लगाते रहते चले तो ये बात है अच्छा मैं आपको बात कर रहा था वादे की पाबंदी की औू बहद वादे को पूरा करो और मैं आपको ये कह रहा हूं कि वादा जो है अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया ना हमारी हमारा कमाल इसमें है कि हम अल्लाह से वादा करें और जो वादा किया हुआ वा है एक तो वो पूरा करें हर इंसान ने ये वादा किया हुआ वा है फिर यहाँ आके अगर आप हक को कबूल कर लेते हैं तो आपको एक वादा करना होगा क्या ला इल्लल्लाह क्या है ये एक वादा है और मैं आपको इसकी तफसील बताता रहता हूँ लेकिन मुख्तसर तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंसान का कमाल इसमें है कि ये ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी से गुजारे अल्लाह की बंदगी में गुजारे अल्लाह की इताद करते हुए ये जान दे दे इसमें इसका कमाल है लेकिन अगर ये अल्लाह के हुक्म को गैर अहम समझ के नजरअंदाज करना शुरू कर दे तो ये अमली तौर पे मुसलमान नहीं रहता मुसलमान वो है जिसका सर झुका हुआ है अल्लाह के हुक्म के सामने और कामयाब इंसान वो है बला मन असलम वजह लिल्लाह व मोहसिन वलु अजरू इन दरअी वला खौफन आल वह यासन जिसने भी अपना सर झुका दिया अल्लाह के सामने और ये मुखलिस भी है उसके लिए अजर है वला खौफन आल वुम यासन कामयाब हैं ये लोग वादे की पाबंदी अब ये देखें बहुत अहम बात है लेकिन हम तो इस पर सोचते नहीं हैं समझते नहीं हैं आप देख लें वादे के मुताबिक पूछा जाएगा इन अहद का न मसऊला यह मजमून गुजर भी चुका है यानी पिछले इसपाक में यह मजमून गुजर चुका है मैंने तफसील से वादा किया है वो सूर नहल में जब मजमून शुरू हुआ था ना अमर उकुम वल वहसान व ईता इज़लक़ुरबा व अवफू ब्याह दिल्ला इज़ा आहत तुम ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم وكيلا ولا تكونوا كالتي نقذت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به तो दुनिया तो सारी की सारी आजमाइश की जगह है एक बात फिर आजमाइश अहम यह है कि आप अल्लाह से वादा करते हैं कि नहीं करते और फिर उससे भी बड़ी आजमाइश यह है कि वादा करके उसको वफा करते हैं कि नहीं करते आज का जो माहौल है हम बिल्कुल नहीं समझते आज का जो मुसलमान है आम मुसलमान आप किसी भी अपने मिलने जुलने वाले से ये नहीं अगर आप करना चाहते हैं मैं वैसे ही आपको बात कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को पकड़ के सवाल करें लेकिन मैं वैसी कह रहा हूँ कि किसी से भी आप भैया ठहरो ज़रा मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ मुझसे कोई कह रहा है कि तुमने अल्लाह से कोई वादा किया हुआ है और हर इंसान ने किया है तुम बताओ तुमने कोई वादा किया है अल्लाह ताला से वो फौरन कहेगा मैंने तो कोई वादा नहीं किया आज का मुसलमान यही कहेगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ <laughs> चले और कुछ है मैं आपसे पूछूंगा आपका ये जवाब होगा ये नहीं अगर ये मजमून मेरा आप ना सुनते और मैं आपसे पूछता कि भाई आपने कोई वादा किया है अपने रब से तो आप कहेंगे नहीं हमने तो कोई वादा नहीं किया ये हाल है हमारा ये हमारी समझ का हाल है बहरहाल हमारी तो बड़ी बुरी हालत है वो एक अलग बात है वफ़ू ब्याह दिल्ला से किया हुआ वादा पूरा करो व औफू ब्याहद औफू बिल आहद इन आहद का ना मसूला मैं आपको सिर्फ यह कह रहा हूं कि यहां पे ठीक है अल्लाह का नाम नहीं है दूसरी जगह तो है वह औफू ब्याहद तो दूसरी जगह है तीसरी जगह है यहां तो एक बुनियादी बात बयान कि तुमने वादे को वफा करना है और सबसे पहले वादा जो है वो वफा जो है ये बात मैं ज़रूरी है कि बता दूं आपको कि अगर आप अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा नहीं करते और सिर्फ मखलूक से वादों की पासदारी करते हैं तो उसकी कोई हैसियत नहीं है आप तो रास्ता ही भटक गए आप तो मंजिल ही बुला दिया आपने आपने तो बातिल को मंजिल बना लिया आप तो दुनिया के पीछे पड़ गए अब मखलूक से आप वादा करें या ना करें आपने तो अल्लाह से वादे की ख़िलाफ़ वर्जी कर ली है आज का मुसलमान अल्लाह के वादे को वादे ही नहीं समझता मसला तो यह है जो कले में तयबा है आम तौर पे यह हमारे जहन में नहीं है कि दरअसल ये एक वादा है ये कले में जो हम अपने रब के साथ करते हैं अल्लाह तू मेरा रब है मैं तेरे ही हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करूँगा यगी बहरल इन न लाहद का ना मसूला वादे के बारे में पूछा जाएगा मतलब मतलब वाजे है कि आप जब जाएंगे रब के पास तो सबसे पहले तो आप को अल्लाह ताला अपना वादा याद दिलाएगा और फिर यह है कि ये तो एक आम बात है इंसान को अल्लाह ताला ने बिजवाने से पहले वादा लिया फिर यहाँ हम मुसलमानों के बारे में बात करें डेढ़ अरब लोग कल में ये पढ़ रहे हैं दरअसल ये एक वादा है लेकिन इसको हम पूरा करने के लिए तैयार नहीं तो बहरहाल देख लें आप कि हम क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? हमारी सोच तो महदूद है ज़ाहिर की तरफ़ लम इल्ल हयात दुनिया मैं तिलावत करता हूँ मेरे साथ दोहराइए आऊज़बिल्लिन शैत वाली बसमल रन रही तकरबलिय में अल्लाती आहसन حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ترجمة هذه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده और माले यतीम के पास न फटको मगर अच्छे तरीके से एहसन तरीके से हती अबलगा शुद्धा यहाँ तक कि वो अपने शबाब यानी समझ को पहुँच जाए और वा, बिल वफ़ुबलाहद इन नाद का ना मसूला वादे की पाबंदी करो बेशक वादे के बारे में तुमसे पूछा जाएगा अब इनायत की तिलावत और तर्जुमा पनह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से बिस्मिल शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान

के अहद के बारे में जरूर पुरिश होगी इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त अख्ताम को पहुँचा अगले दर्स में इनशा मुलाकात होगी व आखिर दावाना अनिल रबीमी <स्यारी दिए> على حبيبك خير الخلق كلهم